Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार एक तरफ जहां कई योजनाओं को संचालित कर पैसा पानी की तरह बहा रही है, वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता से यूपी के महाराजगंज जिले की स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से धराशायी हो गई है। मामला महाराजगंज के सिसुआ विकास खंड के महिला अस्पताल का है, जहां महिला अस्पताल पिछले 10 साल से बिना डॉक्टर के ही संचालित हो रहा है। अस्पताल में ना तो महिला डॉक्टर है और ना ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके चलते अब यहां सिर्फ 15 से 20 मरीज ही हर रोज आते हैं। इस समय यह अस्पताल एक फार्मासिस्ट और दो स्टाफ के भरोसे चल रहा है। नगर के बीच में बना ये महिला अस्पताल स्वास्थ्य के प्रति शासन की उदासीनता को प्रदर्शित करता है। कटहर स्टाइल में दवाई करावे जो कौन डॉक्टर रहते नहीं है, और उसमें सब सब रहता ना लो कहता लो कि जा मुख्यालय दवाई करावे जो ना कोई हुआ डॉक्टर। दिक्कत होती है, हम लोग MIC बुलाते हैं, यहाँ ज्यादा दिक्कत होती है तो, और उम्मीद करते हैं कि कोई महिला डॉक्टर आ जाए कि हम लोग को तो थोड़ा हेल्प मिले। महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी, लेकिन वो इसी बीच में प्रसूति अवकाश पर चली गई। अभी अपर निदेशक गोरखपुर मंडल द्वारा 3 दिन के लिए डॉक्टर महेंद्र चौधरी का आदेश किया गया है, शीघ्र ही वहाँ ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ सेवाएं सुचारू ढंग से चलेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।